जब कोई आदमी का एंकर ज्यादा बढ़ जाए, उसका एंकर टूटना जरूरी होता है, और उनका टूट गया। और किसान की आज गंगा स्नान के दिन बहुत बड़ी जीत हुई। आज तीनों कृषि कानून जो वापिस हुए, इससे सभी किसान जो है एक त्योहार सा मनाएंगे, लेकिन मनाएंगे जब जब ये सदन में पारित हो जाएगा। हाँ जी, बहुत खुश है जी। और इसमें चर्चा चल रही है, जब तक चर्चा चलती रहेगी, जब तक हम अपना धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। साल लग जो, छह तीन साल लग जो, हटेंगे नहीं बिल्कुल भी। वैसे तो किसान जो है वो रात में सोते नहीं है, अपने खेत में पानी चलाते हैं या दूसरी चीज़ों में लगे रहते हैं, और गंगा स्नान के चलते तो पिछले दो दिनों से वैसे भी नहीं सो पाए हैं। लेकिन आज जैसे ही सुबह के 9 बजे तो एक खबर आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया है। और जैसे ही ये खबर किसानों के बीच पहुंची तो हम भी किसानों के बीच पहुंच गए उनसे ये चर्चा करने के लिए कि कानून जो वापस हो गए हैं, जिसके लिए पिछले 1 साल से लगातार संघर्ष कर रहे थे, तो उसके बाद उनकी क्या प्रतिक्रिया है, उनका क्या रिएक्शन है। एक बात हम आपको बता दें, मुजफ्फरनगर का मीरापुर विधानसभा का भुम्मा गाँव है ये, और इस पूरे मुजफ्फरनगर में भुम्मा गाँव का खेती किसानी को लेकर के अपना एक चर्चा में रहता है पूरा गांव। तो हमारे साथ कुछ किसान यहाँ मौजूद हैं, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, आपका नाम जान लें हम। रविश कुमार जी। हाँ रविश कुमार जी, कानून वापस हो गए और लंबा संघर्ष आपका चल रहा था, तो आज तो खुश होंगे आप। हाँ जी, बहुत खुश है जी। और इसमें चर्चा चल रही है, जब तक चर्चा चलती रहेगी, जब तक हम अपना धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। तो आपके नेता राकेश टिकैत जो हैं, उन्होंने कहा है कि वो किसानों के जो नेता हैं कि हम लोग जो हैं तब तक बैठेंगे जब तक कानून जो है वो सदन में, संसद में रद्द नहीं किए जाते हैं। तब तक संसद में वापस नहीं होने का, तब तक बैठे रहेंगे। ये जानकारी आपको भी मिल गई है, गाँव गाँव मिल जाती है? हाँ जी मिल गई जानकारी। कैसे मिली है, मतलब टीवी से, व्हाट्सएप से, कैसे? टीवी के जरिए मिली, व्हाट्सएप पे मिली। तो ये जो किसान वहाँ बैठे थे धरने पर, लगभग 1 साल पूरा हो गया है, और भी चाहे 2 साल हो जाते बैठे रहते हैं वहाँ पर, हम कौन सा कमज़ोर है बैठने के लिए। किसानों का तो काम है कि जंगल में लेट रहे, कहीं लेट रहे, तो काम चलता रहेगा। लेकिन आज तो आपके चेहरे पे मुस्कान आई होगी। हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं आई। ऐसी सरकार को झुकाने की बात की गई है, और किसानों ने ऐसी सरकार को झुका दिया है जिसको बहुत ताकतवर, और ये कहते थे कि वो उनकी गाड़ी में बैक गियर ही नहीं है। किसान तो बैक गियर लगवा दें ज़बरदस्ती, ना भी लग रहा हो तो किसान कहाँ वहाँ से उठने वाले थे। हंगा तोड़ दिया किसान कहते हैं ना कि हमने हंगा लगा हुआ, हंगा तोड़ देंगे, और हंगा कहते हैं अहंकार को, क्यों लोकेंद्र जी? जी ऐसा है, जब कोई आदमी का अहंकार ज़्यादा बढ़ जाए, उसका अहंकार टूटना जरूरी होता है, और उनका टूट गया। और किसान की आज गंगा स्नान के दिन बहुत बड़ी जीत हुई। आज तीनों कृषि कानून जो वापिस हुए, इससे सभी किसान जो है एक त्यौहार सा मनाएंगे, लेकिन मनाएंगे जब जब ये सदन में पारित हो जाएगा। राकेश टिकैत जी ने जो आदेश दिया वो सर्वमान्य होगा। किसान पक्के हैं, कच्चे नहीं है, ये कह रहे हैं सदन में से पारित हो जाएगा, क्यों? जी बिल्कुल, ये पिछले साल सितंबर के आसपास ये वो हुआ था, नरेंद्र मोदी जी लाए थे इस कानून को कि ये अब यहाँ से होगा, पर किसानों ने सारे एकजुट होकर जो इसका विरोध किया, और आज आखिर आकर ये वो हुआ कि अब ये हटाया जाएगा। आज सुबह नरेंद्र मोदी 9 बजे जाए, 9 बजे आए तो उन्होंने कहा कि अब यह हटा दिया जाएगा, पर राकेश टिकैत जी ने यह कहा कि जब तक ये पूरा संसद से पारित नहीं हो जाता, जब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे, और हम हटेंगे भी नहीं सदन से, जब तक जो है कानून जो है वो रद्द नहीं हो जाते तब तक बैठे रहेंगे। आप बताइए चौहरी साहब, आप चौहरी साहब जो है वो थोड़ा आप बताएंगे, ये जो कानून जो हैं जो वापस लिए हैं नरेंद्र मोदी जी ने, तो सुबह ये सूचना जब आपको मिली तो खुशी हुई? हाँ जी खुशी हुई जी, खुशी हुई। लेकिन आप ये राकेश टिकैत तो कह रहे हैं कि हम तब तक बैठे रहेंगे जब तक सदन में रद्द नहीं हो जाता, पक्का काम? जब तक ही बैठे रहेंगे जी, कोई बैठने से कोई वो थोड़ी है, जब लो वापसी नहीं होगा सदन में, जब लो नहीं वो होंगे, हटेंगे वहाँ से। बाबा जी ये जो किसान हैं, ये जो किसान हैं, जैसे आपने देखा आपके तो काफ़ी एज है, कितने आप साल के हैं? 90 साल के करीब सर। बाबा जी हैं 90 साल के, तो किसान बैठे थे वहाँ धरने पर, और आपके बच्चे भी वहाँ जरूर एक दो बार गए होंगे या कई बार गए होंगे? खूब हुए और आगे को भी जाएंगे, और हटेंगे नहीं बिल्कुल भी, बिल्कुल नहीं हटेंगे। जो ये जो संसद पार होगा, ये भी जाकर हटेंगे, वहाँ से नहीं हटक कोई नहीं, सब साथ है, एक साथ है, सब किसान एक साथ है,
कोई खिलाफ नहीं है। अच्छा बाबा जी, लोग तो कह रहे थे ना किसान बटा हुआ है, कि मतलब कोई जाट, कोई गुज्जर, कोई ऐसे, मतलब मुसलमान अलग अलग, किसान एक है इस मामले में, किसान सब एक है। वैसे जात बिरादरी आएगा, इस मामले में सब एक है किसान, कोई बिरादरीवादी का कुछ नहीं है। तो राकेश टिकैत जी ने जो ये कहा है बाबा जी कि हम लोग जो हैं वो जब उठेंगे, जब पक्का काम हो जाएगा, पक्का काम मतलब सदन में ही रद्द हो जाएगा, संसद में रद्द हो जाएगा कानून, तब उठेंगे। तो ये राकेश टिकैत जो हैं वो ठीक कह रहे हैं? वे ठीक कह रहे हैं, चाहे 2 साल लग जाओ, चाहे 3 साल लग जाओ, हटेंगे नहीं बिल्कुल भी। मतलब जो मोदी जी की जबान का भरोसा नहीं है? जबान का कोई भरोसा नहीं है, कोई यकीन नहीं है जबान का। क्यों रवीश जी? बिल्कुल जी, भरोसा कुछ नहीं जी इनका, जब तक निरस्त नहीं होने का कानून, जब तक बैठे रहेंगे और सभी साथ हैं, सभी साथ रहेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो कानून है इसलिए वापस लिए गए हैं क्योंकि पंजाब में और उत्तर प्रदेश में और भी 2 राज्यों में चुनाव हैं, तो ये चुनाव में हाल ही में जो उपचुनाव हुआ है उसमें हार गई भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो इनमें डर बैठ गया कि अगर हम लोगों ने कानून वापस ना लिए तो किसान हमारा विरोध में चला गया है और हम हार सकते हैं। हाँ, हो सके ऐसा तो हो सके, जो 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 ऐसा करेंगे तो होगा ही। हाँ बताइए। अगर मान लिया एक चुनाव नहीं चाहे 10 चुनाव आओ, और अगर भाजपा ऐसा ही करती रही तो भाजपा के खिलाफ जाएगा किसान। किसान बिरादरी में कोई बिरादरी नहीं होती, हमारी एक बिरादरी है किसान, और किसान एक संघर्ष कर जाती है। इसके लिए जंगल भी ऐसे और खाट भी ऐसी, मिल में भी रात बिरात रहे और दिन में भी नहीं सोता, 24 घंटे रात को पानी चलावे तो दिन में भी चलावे। तो जब मान लिया बॉर्डर पे एक अभी तो 1 साल हुआ, चाहे 10 साल लगे, इन्हें तो पीछे हटना पड़ेगा और किसान हटा के मान देगा। हटा तो दिया है, ऐसा लग रहा है किसान जो है वो उन्होंने पूरा एकदम पीछे धकेल दिया है भाई। इन्हें हटना तो पड़ता ही, ये गलत कानून थे, गलत कानून की वजह से इन्हें हटना पड़ा और इन्हें अपनी मुक्की खानी पड़ी। अगर ये जो है पारित हो जाएगा, किसान अपने अपने सब घर चले जाएंगे। अगर नहीं पारित होता तो इतना भी कोई विश्वास भाजपा का नहीं करेगा। अच्छा एक चीज़ मुझे बताओ, जैसे ये कानून वापस ले लिए और आप लोग ये सवाल भी कर रहे हैं, जैसे बाबा जी से हमने बात की, लोग ये बात भी कर रहे हैं कि सरकार जो है वो इसलिए झुकी है क्योंकि उसे लगता है कि आने वाले 2-3 बड़े स्टेट में चुनाव जो हैं वो सर पर हैं, उन्हें हारने का डर है। तो कानून वापस लेने के बाद भाजपा के साथ जो है वो किसानों का नरमी रहेगी, प्रेम रहेगा या गुस्सा बरकरार रहेगा? ये तो गुस्सा बरकरार रहेगा जी, अभी तो जितना ये पारित नहीं होने का, जब पारित हो जाएगा उसके बारे में बाद में सोचेंगे किसान क्या करना। जी बाबा जी, हाँ सही बात है, जो सोचा जाएगा जब उस वक्त कैसे करेंगे हम। अभी गुस्सा जो है वो बरकरार रहेगा, क्यों रवीश जी? हाँ जी बरकरार जी, गुस्सा जी। आप बताइए इस्लामुद्दीन जी। हाँ जी, गुस्सा बरकरार, गुस्सा ठीक है जी, बिल्कुल पक्का रहेगा, गुस्सा पक्का रहेगा। घुमा के किसानों के बीच में हम थे और आप लोगों ने सुना, हम इनसे बात कर रहे थे। कृषि कानून के वापस लिए जाने पर ये खुश हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि पहला मोर्चा हमने फतेह किया है, पहले दूसरी जो मुख्य लड़ाई है, जो पक्की बात है, वो पक्के कागज में मोहर वाली बात, संसद में कानून का रद्द होना है। वो राकेश टिकैत ने जो संकेत दिया है गाँव गाँव पहुँच चुका है। मैं हूँ आस मोहम्मद कैफ और गांधीगिरी टीवी देख रहे हैं आप।